सिटी 60। उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं डूंगरपुर से। डूंगरपुर नेशनल हाईवे 8 पर हिंसा का मामला, जिला प्रशासन की लापरवाही अब सामने आई है। डूंगरपुर तहसीलदार ने 16 सितंबर को तथ्यात्मक रिपोर्ट भेजी थी। जिला कलेक्टर कानाराम को तथ्यात्मक रिपोर्ट भेजी गई थी। वह रिपोर्ट में बताया गया था कि हालात बिगड़ सकते हैं, कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। वहीं संघर्ष की भी चेतावनी यहां पर दी गई थी। लेकिन मामले में बिछीवाड़ा पुलिस ने आगाह किया था, लेकिन दोनों इनपुट का कोई ध्यान नहीं रखा गया, उसे अनदेखा किया गया। नतीजा हिंसा में 4 दिन तक जो डूंगरपुर है वो चलता रहा था। वहीं सरकार क्या अब इस पूरे मामले को लेकर कोई एक्शन लेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो डूंगरपुर हिंसा मामले को लेकर एक बड़ा खुलासा यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। तहसीलदार ने 16 सितंबर को इसे लेकर एक तथ्यात्मक रिपोर्ट भेजी थी। इसे बताया गया था कि किसी भी तरीके से स्थितियां यहां पर बिगड़ सकती है, कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी जो कार्रवाई है वो नहीं की गई। इस चेतावनी को अनदेखा किया गया, जिसकी वजह से अगले 4 दिन तक किस तरीके की परिस्थितियां देखने को मिली, पूरा डूंगरपुर जलता रहा। और इसके बाद अब सवाल यह है कि क्या इस पूरे खुलासे के बाद कार्रवाई जिम्मेदारों पर की जाएगी। आखिर जो जिम्मेदार हैं, क्या उन पर एक्शन अब होगा। अखिलेश जी मीडिया संवाददाता खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश, अब इस रिपोर्ट के बाद, इस जानकारी के बाद क्या कुछ जो है कहा जा रहा है, जो रिपोर्ट भेजी गई थी उसमें किस तरीके की जानकारियां दी गई थी? देखिए सुमित, बताना चाहूंगा कि 16 सितंबर को ये रिपोर्ट जो है वो डूंगरपुर तहसीलदार और पुलिस विभाग की ओर से, बिछवाड़ा पुलिस की ओर से ये जो है जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर, एसपी को भेजी गई थी, जिसमें साफ साफ दर्शाया गया था कि जो माहौल है वो आने वाला टाइम पे जो बिगड़ सकता है, ऐसे में सख्ती के कुछ जो कदम है जिला प्रशासन को उठाने होंगे और इनको मौके से हटाना होगा। लेकिन इन दोनों ही इनपुट को है वो जिला कलेक्टर और जिला एसपी के द्वारा अनदेखी की गई, और यही कारण रहा कि 24 सितंबर को जिस प्रकार का माहौल बना, इन्होंने हाईवे जाम किया और जो ये जाम करने के बाद में हिंसा में तब्दील हो गया। जी सुमित, फिलहाल इस पूरे मामले में जिस तरीके से लापरवाही सीधे तौर पर सामने आ रही है, उस पर अब जिला प्रशासन का क्या कहना है? देखिए, अभी ये रिपोर्ट अभी जो थी वो थोड़ी देर पहले हमारे पास पहुंची, इस संबंध में अभी तक जिला प्रशासन से बात नहीं की गई है। लेकिन जो रिपोर्ट जो हमारे सामने आई है उसमें साफ साफ उल्लेख किया गया है कि जो प्रदर्शनकारी है, अगर सरकार द्वारा अगर उनकी जो मांगे अगर नहीं मानी जाती है और उनको समझाइश नहीं की जाती, उनको हटाया नहीं जाता है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में स्थितियां जो है बिगड़ सकती है। और ये इनपुट जिला प्रशासन को दे भी दिया गया था कि अगर समय रहते को सख्ती के कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, इसके अलावा जो वर्ग संघर्ष की जो स्थिति है वो भी पैदा हो सकती है। ये पूरा रिपोर्ट के अंदर उल्लेख जो है किया गया है अखिलेश, क्योंकि जिस दौरान ये पूरा घटनाक्रम हुआ, आपने तमाम चीजों को ग्राउंड जीरो से कवर किया है, जिला प्रशासन उस दौरान कर क्या रहा था, आखिर उनकी क्या तैयारियां थी, तमाम स्थितियां जिस तरीके सामने आ रही थी, रिपोर्ट उनके हाथ में थी? देखिए सुमित, बताना चाहूंगा 18 दिन तक ये पड़ाव जो था वो काकरे डूंगरी पर चला था, सबकी नजर में ये चीज थी, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से केवल सरकार को रिपोर्ट भेज दी गई कि हाँ शांतिपूर्ण ये पड़ाव चल रहा है, लेकिन प्रशासन की ओर से या जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ये कोशिश नहीं की गई, वार्ता की कोशिश नहीं की गई कि वहां जाके इन बच्चों को या अभ्यर्थी जो थे उनको समझाया जाए कि भाई सरकार की ओर से प्रयास जो है जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि की ओर से किए जा रहे हैं, ये इन्होंने मुनासिब नहीं समझा। और जो रिपोर्ट है वो सरकार को भेजते रहे, लेकिन वहां मौके पर किसी प्रकार की समझाइश बिल्कुल, यानी सरकार को रिपोर्ट भेजकर इतिश्री कर ली गई, और अगर वक्त रहते उस पर कार्रवाई की जाती तो शायद परिस्थितियां जिस तरीके की हिंसापूर्ण बनी रही उन्हें बिगड़ने से रोका जा सकता था। जिम्मेदारों पर क्या अब कार्रवाई होगी, सवाल ये। बहुत शुक्रिया अखिलेश इस तमाम जानकारी के लिए।